आज हम बना रहे हैं अरवी मसाला। ये बहुत ही क्विक बनती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं अरवियाँ आधा किलो। ये मैंने छील ली हैं और काट ली हैं। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। भुना पिसा ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून। नमक लिया है 1 टीस्पून प्लेन, आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। आधी मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। 4 टेबल स्पून मैंने तेल लिया है। अब अरवियाँ काट लेते हैं। ये देखें, इस तरीके के हमें स्लाइस काटने हैं, ना बहुत पतले और ना बहुत मोटे। हमें इसके स्लाइस जो है वो मीडियम रखने हैं। ये देखें, इस तरीके के हमें रखने हैं। ये अभी हमारी अरवियाँ कट गई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। अब पैन में हम 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे और जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तेल, तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देते हैं, जो हमने आधी मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और चॉप कर ली थी, वो प्याज हमने अब इसमें ऐड कर दी है। अब देखिए, हमारी प्याज तलना स्टार्ट हो गई है। इसे हम ज़्यादा नहीं तलेंगे, हल्का सा तलेंगे। और देखिए, हल्की सी गोल्डन हुई है। अब देखिए, बिल्कुल हल्की सी गोल्डन हुई है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं अरवियाँ। यह अरवियाँ हमने डाल दी हैं। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेते हैं पहले। अरवियों को हम पहले 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हमारी अरवियाँ भुन गई हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, जो हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और उसे चॉप कर लिया था। उस टमाटर को अब ऐड कर दिया हमने और हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं, ज़ीरा, लाल मिर्चें और नमक। ज़ीरा आप भुना और पिसा हुआ लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से और हदवा से मिक्स करके इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। अरवियों में हम ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट बाद जो है वो हम अपनी अरवियाँ चेक करेंगे। अब देखें, 10 मिनट हो गए हैं और हमारी अरवियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। देखें, इसमें मैंने ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं किया था। आप भी पानी ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। और देखें, अब हमारी अरवियाँ बिल्कुल गल गई हैं। ये चमचे से देखें, मैंने आपको दिखाया है, ये देखें चमचे से भी देखें टूट रही हैं। ये देखें, अरवियाँ भाप में ही गल जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती गलने में। और देखें, साइडों से तेल भी छोड़ दिया है खाने ने, मसाला भी बिल्कुल भुन गया है। ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर से ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।